इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकल टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। बात है ईस्ट तुर्किस्तान। हम सब जान रहे हैं कि इस समय टर्की जो यूरोप और खाड़ी के बीच का रास्ता माना जाता है कि टर्की के रास्ते से यूरोप में जाया जाता है, यानी कि ट्रांजिशन एरिया बनता है जिसमें यूरोप की एडवांसनेस भी है और खाड़ी की पिछड़ापन भी है, जो कभी ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, यानी कि खलीफा वहाँ पर बैठा करता था, कैलिफ वहाँ पर बैठा करता था और पूरे संसार के मुस्लिम जगत को कंट्रोल करता था। लेकिन हम एक चीज़ और ध्यान रखें कि ईस्ट टर्की या ईस्ट तुर्किस्तान उसको कह लीजिए, ईस्ट तुर्किस्तान जिसका बॉर्डर भारत की टेरिटरी से लगता था, जिसका बॉर्डर रशिया की टेरिटरी यूएसएसआर की टेरिटरी से लगता था, जिसका बॉर्डर तिब्बत की टेरिटरी से लगता था और जिसका बॉर्डर चीन की टेरिटरी से लगता था, उधर मंगोलिया की टेरिटरी से लगता था, वो ईस्ट तुर्किस्तान आज की तारीख में चाइना के 1949 के कब्जे के बाद, चाइना ने जब 1949 के दिसंबर में उस पर कब्जा किया तो उसके बाद उस क्षेत्र को उन्होंने कॉलोनियल नाम दिया, जिसका नाम शिनजियांग या जिनशियांग, दोनों में से दोनों ही नाम अनाउंस किए जाते हैं, शिनजियांग या जिनशियांग। पिछले 70 वर्ष से जिनशियांग पर उसका कब्जा है, यानी कि ईस्ट तुर्की पर उसका कब्जा है। अमेरिका ने जिस प्रकार से स्टेप लेना शुरू किया है और ईस्ट तुर्की में जिस प्रकार उइगर मुसलमानों को, केवल वहाँ पर उइगर मुसलमान है, चूँकि वो ईस्ट तुर्किस्तान है, वो एक मुस्लिम कंट्री हुआ करता था, उसमें कजाक, उज्बेक और अफगानिस्तान की रेसिस और खुद उइगर या किर्गिज या उज्बेक, टाटार्स, ये वहाँ की प्रजातियाँ हैं। मैं बताता हूँ, उइगर, कजाख, किर्गिज, उज्बेक, तातार और अदर तुर्किक पीपल जो वहाँ के तुर्किस्तान के पीपल होते थे वो भी। चाइना ने, यानी कि पीएलए ने, पीपल, ये जो कम्युनिस्ट चाइना है, कम्युनिस्ट चाइना ने 1949 पर जब चाइना की मेनलैंड पर कब्जा किया, उसके बाद सबसे पहले वो गए जिनशियांग की तरफ, यानी कि ईस्ट तुर्किस्तान की तरफ। ईस्ट तुर्किस्तान पर उन्होंने हमला किया और उस पर कब्जा किया। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये क्लेम किया है कि जिस समय किंग डायनेस्टी हुआ करती थी मंचूरियों की, मैं मंचूरियों की बात जब करता हूं तो आप याद रखिएगा कि मंचूरिया, मंचूर्स, ये कभी जापान का हिस्सा हुआ करते थे पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जापान उस पर काबिज था। चीन और जापान के बीच में मेन कन्फ्लिक्ट का कारण भी मंचूरिया ही है। तो मंचूर, यानी कि मंचूर में जब किंग डायनेस्टी हुआ करती थी तो किंग डायनेस्टी का कब्जा इस पर हुआ करता था कभी 18वीं शताब्दी में, यानी कि 1700 कुछ रहा होगा। इस आधार पर चीन ने उस पर अपना कब्जा या अपना दावा दाखिल किया, दावा पेश किया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो टेरिटरी है ये टेरिटरी हमारी है। क्यों? क्योंकि ये टेरिटरी कभी 18वीं सदी में, यानी कि 1700 के लगभग, 1730, 35, 25 जो भी रहा होगा उसके लगभग, ये टेरिटरी कभी किंग डायनेस्टी की हुआ करती थी और किंग डायनेस्टी पार्ट ऑफ चाइना हुआ करता था। अब वो गड़े मुर्दे खोद खोद कर लाते हैं। अब ऐसे हम अगर कहना चाहे, हिंदुस्तान अगर कहना चाहे, तो वो ये कह सकते हैं कि त्रिलोकपति श्री राम के सानिध्य में पूरा का पूरा विश्व हुआ करता था, पूरा एशिया तो एटलीस्ट होता ही था। महाभारत के समय पर भगवान श्री कृष्ण के डायरेक्शन पर पांडवों का पूरी दुनिया पर कब्जा था और उसी को महाभारत कहते थे, जिसको आप वर्ल्ड वार कहते हैं आज। मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसे हिसाब लगाना शुरू करेंगे तो हिंदुस्तान के शासकों ने बहुत बार चीन पर कब्जा किया, चीन के इन क्षेत्रों पर उसका कब्जा रहा और उसके आधार पर हम दावा कर सकते हैं। लेकिन चूंकि भारत कभी आक्रांता नहीं रहा, भारत की कभी नीयत खराब नहीं रही, भारत ने कभी किसी दूसरे कंट्री की तरफ नहीं देखा, इसलिए भारत उस पर दावा नहीं करता।
लेकिन चीन ने ये गड़े मुर्दे खोदे और उन्होंने कहा कभी लद्दाख में ऐसा था, कभी अरुणाचल में हमारा 15वीं सदी में 14वीं सदी में हमारे लोगों का कब्जा था, और कभी वो कहते हैं कि नहीं साहब ये सिक्किम पर हमारा कभी कब्जा हुआ करता था, कभी कहते हैं भूटान पर हुआ करता था, ये सब कहानियां वो पुरानी पुरानी निकाल कर लाते हैं। यही कहानियां उन्होंने नेपाल को समझाना शुरू किया, तो नेपाल भी आजकल रामायण खोल कर लाया, और नेपाल के कम्युनिस्ट भी ये कहते हैं कि आप रामायण खोल कर देखिए और मिथिला नरेश का शासन सरयू के वहां तक हुआ करता था, यानी कि नेपाल सरयू नदी तक है और सरयू के उस तरफ भगवान राम का शासन है, सरयू के इस तरफ तक नेपाल का शासन हुआ करता था, ऐसा चर्चाएं करते रहते हैं और इसी आधार पर नेपाल में भी वैमनस्यता फैलाते हैं। ये कम्युनिस्टों की पुरानी फिलॉसफी है। ये हिस्ट्री के बड़े अच्छे तोड़ मरोड़कार होते हैं। हिंदुस्तान के भी कम्युनिस्ट आप जानते हैं हिस्ट्री को कैसे तोड़ मरोड़ कर लिखते हैं, और ये संसार में इन्होंने हिस्ट्री को ही तोड़ मरोड़ करके लिखना शुरू किया। जैसे भारत में आजकल भारत को तोड़ने के लिए, जनता को तोड़ने के लिए दलित साहित्य लिखा जा रहा है, जिसमें बहुत कुछ लिखा जा रहा है दलित साहित्यों में कि हनुमान जी के जो वंशज थे वो एसटी थे और एसटी होने के नाते उनके साथ बड़ा अत्याचार हुआ, बलि की हत्या कर दी भगवान ने, ऐसे पता नहीं क्या क्या लिखना है। मैं आपको बता दूं कि तुर्किस्तान, जिसको ईस्ट तुर्किस्तान कहते हैं, उसकी गवर्नमेंट एग्जाइल अमेरिका में है। गवर्नमेंट एग्जाइल बिल्कुल वैसी ही गवर्नमेंट जैसे कि तिब्बत की सरकार हिंदुस्तान में बैठी हुई है दलाई लामा के नेतृत्व में, वैसे ही तो ईस्ट तुर्किस्तान की जो सरकार है वो अमेरिका में बैठी हुई है, और वहां पर वो एक संगठन चलाते हैं जिसको ईस्ट तुर्किस्तान नेशनल अवेकनिंग मूवमेंट कहते हैं, यानी कि एटनाम, ETNAM। मैं फिर से बताता हूं, ईस्ट तुर्किस्तान नेशनल अवेकनिंग मूवमेंट, इस नाम से वो मूवमेंट चलाते हैं, और इस मूवमेंट से वो ईस्ट तुर्किस्तान को पुनः वापस लेना चाहते हैं, उस पर शासन करना चाहते हैं, और वो गवर्नमेंट इन एग्जाइल। मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट इन एग्जाइल का मतलब क्या होता है, कि सबसे पहले अगर आप इतिहास खोल कर देखेंगे तो गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई थी भगवान श्री राम ने, जब विभीषण लंका छोड़कर आए और भगवान राम के शरण में आए तो भगवान राम ने उनका राज्याभिषेक किया। इस राज्याभिषेक को जो मेनलैंड पर जिसका कब्जा नहीं है लेकिन उसकी सरकार की घोषणा कर दी गई, इसको गवर्नमेंट इन एग्जाइल कहते हैं। संसार का सबसे पुराना प्रकरण हिंदुस्तान के रामायण में मिलता है। ऐसे ही गवर्नमेंट इन एग्जाइल जो यहां से लोग गए उन लोगों की गवर्नमेंट इन एग्जाइल अमेरिका में बनी 2004। वो लगातार चैलेंज करते रहते हैं चाइना को, और चाइना के विषय में वो अपनी घोषणाएं करते रहते हैं। वहां मिस्टर ओस्मान जो उस सरकार के प्रेसिडेंट हैं, उस मिस्टर ओस्मान ने वहां पर घोषणा की है कि हम स्वतंत्रता लेकर रहेंगे, हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, हम उनके खिलाफ संसार के हर एक फोरम पर जाएंगे, और हम विश्व को ये विश्वास दिलाएंगे कि चीन ने जिस प्रकार मेरी मेन लैंड पर कब्जा करके रखा है उस लैंड से कब्जा हटवाया जाए, वो लैंड हमको दोबारा वापस दी जाए। मैं आपको बता दूं कि ईस्ट तुर्किस्तान में चाइना ने 1948-1949 में कब्जा करने के बाद, कुछ रिसर्च जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिसर्च कहती है कि 1949 से पहले वहां सिर्फ 2% चाइनीज हुआ करते थे, क्योंकि जिन मंचूर्स की बात करते हैं, मंचूर चाइना स्वयं मंचूर्स को आउटसाइडर्स मानता है, लेकिन किंग डायनेस्टी की वजह से, क्योंकि किंग डायनेस्टी ने पूरे चाइना पर भी कब्जा करके रखा था, किंग डायनेस्टी की वजह से वो उस लैंड पर अपना आधिपत्य मानते हैं, और यही कारण था उन्होंने हमला किया। और आज की तारीख में उस क्षेत्र में लगभग 30 लाख लोग जो जिनको उन्होंने इनके प्रकार ने किसी भी प्रकार से, जो चाहे उइगर हो, चाहे कजाक हो, चाहे किर्गिज हो, चाहे उज्बेक हो, चाहे ततार्स हो, चाहे और तुर्किक प्रजातियां हो, उनको परेशान करके रखा है। इनमें से 10 लाख लोगों को तो उसने अकेले कैद करके रखा है। अब 10 लाख लोगों को कैद करके भोजन कराना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने क्या किया कि इन 10 लाख लोगों को बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अंडरग्राउंड बनाकर, 20-20 मंजिल अंडरग्राउंड ले जाकर उनको उन लोगों से वो काम करवाते हैं, वहाँ प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उन प्रोडक्टों को एक्सपोर्ट करते हैं। वो फ्री की लेबर है, खाना खिलाओ और काम कराओ।
जैसा मुस्लिम कॉन्सेप्ट है दास बनाओ और काम कराओ, वैसे ही चाइना ने उनको उन्हीं की भाषा में पकड़कर उनको दास बनाया और उनसे काम करवाना शुरू कर दिया। ईस्ट तुर्किस्तान की गवर्नमेंट इन एग्जाइल लगातार इस बात पर स्ट्रगल कर रही है और वो कह रहे हैं कि हम संसार भर को बताएंगे। अमेरिका खुलकर उनका सपोर्ट कर रहा है, इवन अमेरिका ने यह घोषणा कर दी है कि अगर चाइना का कोई भी प्रोडक्ट जो ईस्ट तुर्किस्तान से बना हुआ होगा, ईस्ट तुर्किस्तान में उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई होगी, तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट वो संसार में बिकने नहीं देंगे, एटलीस्ट अमेरिका में तो उसकी एंट्री नहीं होने देंगे और ईस्ट तुर्किस्तान को वो स्वतंत्र करवा के रहेंगे, ऐसा उन्होंने प्रण लेकर रखा है और इसीलिए उन्होंने ईस्ट तुर्किस्तान की वहां पर सरकार बनाकर रखी है। मैं आपको बता दूं कि तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल को भी अमेरिका पूरी फंडिंग करता है, गवर्नमेंट एग्जाइल ऑफ ईस्ट तुर्किस्तान को वहां अमेरिका में उसने बिठाकर रखा है, उसको वो फुल सपोर्ट करता है, उसको उसको वो अपॉर्चुनिटी देता है और उसको जो भी आवश्यकता होती है उनको देता है। इसके अलावा हांगकांग को वो सपोर्ट कर रहा है और सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मोसा जो ओरिजिनल चीन हुआ करता था, आरओसी रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 से पहले, जिसमें चिंग काई शेक की गवर्नमेंट हुआ करती थी, उस क्षेत्र को चाइना व अमेरिका ने लगातार वहां उठना बैठना शुरू कर दिया है, उस गवर्नमेंट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है आरओसी को, और आरओसी के लिए वो एक लैंड की बात करता है। आरओसी लगातार आरओसी का जो पासपोर्ट है उस पासपोर्ट पर आज भी चाइना लिखा है, रिपब्लिक ऑफ चाइना ही लिखा जाता है, और रिपब्लिक ऑफ चाइना जब वो लिखते हैं और इधर ये पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का लिखते हैं, मेन लैंड पर जो बैठे हुए हैं वो पीआरसी लिखते हैं, लेकिन जो वहां पर बैठे हुए हैं वो आरओसी लिखते हैं। अमेरिका ने उनके साथ संबंध बनाए हैं और अमेरिका के विदेश मंत्री पोम्पियो, माइक पोम्पियो ने लगातार वहां विजिट की, चाइना ने बहुत सारे वहां पर ऊपर से जहाज उड़ाए और बड़ी सारी धमकियां दी, हालांकि भारत को भी वो लगातार धमकियां दे रहे हैं। 2+2 का जो हमने कोलेट्रल कॉरिडोर बनाया है और 2+2 हम जो वार्ता कर रहे हैं चीन के खिलाफ या अपनी बॉर्डर्स को सुरक्षित करने के लिए जो अमेरिका के साथ हम कॉपरेशन कर रहे हैं, उन सभी विषयों पर चीन हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन लगाता आया है। हालांकि वो सरकारें नहीं है जो 2007 में हुआ करती थी, 2007 में जब ऐसे ऑब्जेक्शन लगाए थे तो क्वाड्रिलेटरल के दो बड़े धड़े उनको हमने बुलाना बंद कर दिया था, उन धड़ों में सिंगापुर हमारे साथ हुआ करता था उस समय और उस समय ऑस्ट्रेलिया हुआ करता था। हालांकि 2016 में फिर से ये एग्रीमेंट हुआ और अब हमने ऑस्ट्रेलिया को फिर से इस बार मालाबार एक्सरसाइज में बुलाना शुरू किया, तो जो फॉर्मोसा है उसका नाम बदलकर फिर ताइवान रखा गया और ताइवान अपने पासपोर्ट पर आरओसी लिखता है, ताइवान को खुला समर्थन अमेरिका करता है। इसी प्रकार इनर मंगोलिया को भी वो खुला समर्थन करता है। चाइना को चारों तरफ से घिरने का प्रयास अमेरिका और भारत कर रहे हैं, जिस प्रकार कभी चाइना ने भारत को चारों ओर से घेर कर रखा था, हिंद महासागर में हो या ईस्ट लद्दाख में हो या फिर वो अरुणाचल प्रदेश में हो, और भारत सरकार लगातार उनसे दबी हुई थी, उनके अगेंस्ट में कोई काम नहीं कर पा रही थी, उसका बहुत ज्यादा गुना, मैं कहूं 3-4-5 गुना भारत ने आज एफर्ट करके पूरे मलक्का स्ट्रेट को कवर करके रखा है। हिंद महासागर में नावल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, हमने खुली छूट जापान को कर रखी है, उनके साथ अपने नावल बेस शेयर करने की ट्रीटियां कर दी हैं, अभी हमने क्वाड्रिलेटरल संधियां कर ली हैं, मालाबार की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, पोम्पियो भारत में आया तो 2+2 की जो हमारी एग्रीमेंट हुआ उसके तहत इंटेलिजेंस की रिपोर्टें देनी शुरू कर दी हैं, स्पेशली नावल एक्सरसाइज में, चाहे वो सेंट्रल कमांड हो, चाहे वो अफ्रीकन कमांड हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया कमांड हो, अमेरिका के पास जहां जहां जिस प्रकार की भी कमांडे हैं उसने कहा कि हम सारा सपोर्ट आपको करेंगे और उनके जो जो हिस्से हैं वो सब अमेरिका के माध्यम से हमको लगातार पूरी सूचनाएं देंगे और इसके साथ साथ वो टेक्नोलॉजी हमको ट्रांसफर कर रहे हैं। ये सब कुछ देखते हुए चीन की जिस प्रकार से घेराबंदी भारत और अमेरिका ने इसमें कर रखी है, मोदी के फंडे ने जिस प्रकार चीन को फंसाया है 1949 से पहले, आज तक ऐसे फंदे में चीन कभी फंसा ही नहीं। चीन ने दुनिया को परेशान करके रखा लेकिन चीन के विरुद्ध कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई, चीन कभी भी इस परिस्थिति में नहीं फंसा। इसका परिणाम यह निकला कि चीन के अंदर सीपीसी में इस समय झगड़े चल रहे हैं, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में झगड़े चल रहे हैं और वहां सक्सेशन की कहानियां रची जा रही हैं। हम सब जानते हैं कि चाइना में
जब कम्युनिस्टों का सक्सेशन होता है तो वो खूनी सक्सेशन होता है, 1, 2, 10, 20, 50 लोग नहीं मरते, लाखों लोगों की बलि चढ़ाई जाती है, चाहे वो माओ रहा हो, माओ के बाद के स्टूडेंट मूवमेंट रहे हो जिनमें उनकी हत्याएं की गई, स्टूडेंट्स की हत्याएं की गई, वो लाखों की तादाद में हुआ करते थे। इसलिए इस समय वहां अंदर डिस्टर्बेंस चल रहा है, चूंकि चारों ओर से चीन घिरा हुआ है और चीन पहली बार घिरा मोदी के आने के बाद। मोदी जी का जिस प्रकार से प्रयास उन्होंने वर्ल्ड भर में घूम कर किए, वर्ल्ड भर को कन्विंस किया कि चीन हमारा दुश्मन नंबर वन है और चीन को हमको सबक सिखाना है, चीन को किसी प्रकार से कंट्रोल करना है, वो सारी पॉलिसियां चलती दिखाई पड़ रही है जिसमें अमेरिका भी हमारा खूब और 100% भागीदार है। और इसलिए इस तुर्किस्तान में ये संभव है कि अगर चाइना के साथ कोई युद्ध होता है, जैसा मैंने कहा कि पीछे एक्सरसाइजें चल रही हैं लगातार और साउथ चाइना सी में चाइना को हम घेरने का प्रयास कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई युद्ध होता है चीन टूटेगा, टूटने के बाद ईस्ट तुर्किस्तान जिसमें 98% मुस्लिम कम्युनिटी हुआ करती थी उस पूरे को स्वतंत्रता मिलेगी। मुझे लगता है भारत की मुस्लिम कम्युनिटी को इस मूवमेंट के लिए भारत को साधुवाद कहना चाहिए कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भारत इस समय चीन के खिलाफ किस प्रकार से खड़ा है। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।